अस्सलाम वालेकुम सर, और आप देख रहे हैं सिनेमा सागा भाईजान जवान मूवी। भाईजान 28 दिन हो चुके हैं और वो गोल्डन नंबर, वो 1100 वाला नंबर, मतलब कि 1100 वाला नंबर अचीव इस फिल्म ने किया है नहीं किया, सब बताने वाला हूँ आपको कि भाई क्या सीन होने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाईजान, जो भाईजान इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाए हैं भाईजान उसको कोई भी बीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो KGF है वो 1200 करोड़ उसने कमाया था, RRR ने 1300 कुछ करोड़ कमाया था, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या जवान वहां तक पहुंच सकती है या नहीं। आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दो। मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ भाईजान, पहले वीक वाइज बताता हूँ कि अभी कैसे कैसे उसने अब तक कलेक्शन कर दिया है। तो पहले वीक में इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो किया था 347.98 करोड़ का, दूसरे वीक में किया था 125.46 करोड़ का, और थर्ड वीक में जो इस मूवी ने कलेक्शन किया था वो किया था थर्ड वीक में 52.06 करोड़ का। और आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 6 दिन, मतलब के 3 हफ्ते और 6 दिन हो चुके हैं, कल एक हफ्ता और पूरा हो जाएगा, और इन दिनों में भाईजान क्या कलेक्शन इस फिल्म ने किया है तो वो देख लेते हैं भाई। हाँ जी, तो भाई आपको फ्राइडे से बताना शुरू करता हूँ, लास्ट फ्राइडे से फिल्म ने कैसा कलेक्शन करती हुई जा रही है। तो फ्राइडे को इस फिल्म ने 4.9 करोड़ का कलेक्शन किया, सैटरडे को 8.27 करोड़ का कलेक्शन किया, संडे को 9.12 करोड़ का, मंडे को 6.65 करोड़ का कलेक्शन किया, और ट्यूसडे के दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 2.3 करोड़ का, और वेंसडे के दिन इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया वो किया 2.10 करोड़ का। जी हाँ जी, इस फिल्म ने यहाँ पे ज़बरदस्त कलेक्शन कर लिया है, और अब तक फिल्म टोटल कलेक्शन कितना कर चुकी है, टोटल ऑल ओवर इंडिया से जो कलेक्शन इस फिल्म ने किया है अब तक ऑल ओवर इंडिया से वो किया है 613.72 करोड़ का, और ग्रॉस कलेक्शन 726.2 करोड़ का, और ओवरसीज की बात करें तो 370.5 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है फिल्म। और आपको सीधी सीधी बात ये फिल्म आज के दिन 1100 करोड़ पूरा कर चुकी है। सही से सुनिएगा, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन का जो कलेक्शन आया है अब तक का ऑफिशियल कलेक्शन के मुताबिक ये फिल्म 1099.7, मतलब कि सिर्फ 30 लाख पीछे है, सिर्फ 30 लाख, और वो तो आज आ ही चुका होगा अब तक। और यहाँ पे ये फिल्म वो गोल्डन नंबर, वो 1100 वाला नंबर अचीव कर चुकी है। अब सिर्फ RRR को बीट करने के लिए लगभग 317 करोड़ चाहिए, 217 करोड़ चाहिए, और जो ये अपना लास्ट टाइम आई थी KGF चैप्टर 2, इसको बीट करने के लिए 100 करोड़ और चाहिए। आपको क्या लगता है कि 100 करोड़ और कम से कम कमाएगी? तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ ये मूवी कलेक्शन कर सकती है। आपको क्या लगता है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।